नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हो गया 4 नवंबर, थोड़ा मार्केट का व्यू दिखाता हूँ जो अच्छा है। तो अपने मार्केट जाने के लिए अच्छी सड़क का होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि खराब सड़कों से होकर के जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तथा यह डे लाइट मतलब दिन का व्यू है, जो सड़क के किनारे पेड़ पौधों की हरियाली बेहद ही सुंदर प्रतीत होता है। क्योंकि प्रदूषण कम किया जाए, इसके लिए सड़क के किनारे पेड़ पौधों को लगाया जाता है, तथा यही पेड़ पौधे रातों में कुछ और दिखाया जाता है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब खराब सड़कें आ गई है और पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करेगा। अभी घर पर से निकले हुए आधे घंटे हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे और ड्राइव करना है। तो चलिए, सड़क का रोड भी खराब है, अब आगे फिर रेलवे गुमटी बंद ना मिले तो अच्छा है। सड़क काफ़ी ज़्यादा खराब है, जो कई वर्षों से लखनऊ बना है। तो आज मार्केट में ज़्यादा जाम नहीं थे, फेस्टिवल अभी नहीं है। चलिए, मार्केट से निकल गए। अच्छी बात यह है कि आते समय भी घंटी यहाँ खुली हुई थी, तो कोशिश है कि जल्दी पहुँच जाऊँ। आज ज़्यादा ज़्यादा शाम हो जाएगी तो कोई बात नहीं, नाइट में राइड करने का अलग निकलता है। मेरे घर पर जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सड़क कह सकते हैं कि खराब है बढ़िया, लेकिन अगर किया जाए जाता है। तो यहाँ पर हाट आ गया, उसके बाद जस्ट आगे पेट्रोल पंप है, इस हाट में काफी ज्यादा भीड़ रहती है। बताइए, पेट्रोल पंप कुछ ही दिनों पहले खुला था, शायद सितंबर में, 8 सितंबर के, तो हाँ उसका भी वीडियो अपलोडेड है, शॉर्ट क्लिप ही था। तो मेरा रास्ता आ गया गाँव की तरफ, तो चलिए आओ, क्योंकि ये सड़क काफ़ी स्मूथ है। पहले ये भी सड़क काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ करती थी, हाँ लेकिन इलेक्शन के टाइम में बन गया, तो अच्छी बात है। हाँ, आने जाने वाले के लिए बेहद ही अच्छा रहा। हाँ, और कई रास्ते पर से जाने के बाद थोड़ा सा वीडियो शूट करने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस रास्ते होकर जाने में सही है। 3-4 ब्रेकर हैं, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, अब मिलते हैं, आप बने रहिए। चलिए, फाइनली अब घर पहुंच गया। उससे पहले टायर में एक जाकर के दिलवा देता हूँ, उसका प्रेशर कम है ज़्यादा। थैंक यू। तो मार्केट से आते समय अब शाम हो गई, तो थोड़ा सा और ट्रेवल यानी जर्नी बचा हुआ है, तो उसे भी चलिए पूरा करते हैं, तो फिर मिलते हैं। 6:21 हो चुका है, तो मोटरबाइक में रेस कर मोटरबाइक से जाने में
वेयर ही, अभी ठंड उतना नहीं है तो जैकेट तो नहीं पहनना पड़ा। हाँ लेकिन थोड़े दिनों बाद इस टाइम में जैकेट पहनना पड़ेगा। ये भी रास्ता ओके है, तो दूसरा कोई रास्ता था तो मे भी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उधर जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ पर फिर थोड़ा सा खराब है तो लेते हैं SSQ। चलिए आगे मंदिर है माता दुर्गा जी का। हाँ मोटरबाइक में माउंट पर कैमरा, मतलब हेलमेट पर कैमरा माउंट करवाना मेरे लिए आवश्यक है। कथैया चौक आने के बाद काफ़ी दूर तक यानी लगभग 1-2 किलोमीटर तक सुनसान रास्ते कह सकते हैं, एक भी घर नहीं है। तथा पीछे भी गांव के तरफ से SS की ओर आए थे तो वहां पर भी नहीं था, तो फिर बने रहिए। हाँ जो लोग इधर होकर के नहीं आते हैं तो उन्हें रात में अकेले आने के लिए सजेशन नहीं दे सकता। और कुमटिया खुला हुआ अब तक के ये टोटल 5वीं बार रेलवे ट्रैक है जिसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ आज। लकली बात यह है कि हर बार एक बार गुमटी ओपन ही रहता है, तो इसके लिए थैंक यू। तथा अब मैं जिस क्षेत्र में घूमकर के जा रहा हूँ उसे भी नगर पालिका के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, नगर में नगर निगम बना दिया गया, क्योंकि पहले गांव हुआ करता था। गांव को नगर निगम में जोड़ने का फायदा और नुकसान दोनों ही है। फायदा यह है कि जो भी फैसिलिटी शहर वाले को मिलता है तो वह इसे भी अपने यहाँ के लिए मेयर का चुनाव होगा, जो कि इस वर्ष मेयर का चुनाव यहाँ का कैंसिल कर दिया गया या दूसरे का। तथा यहाँ जो भी पानी बिजली या फिर हर किसी प्रकार से जो साधन था तो उसे जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था वह नगर निगम के अनुसार लिया जाएगा। गाँव वालों के लिए परेशानी हो लेकिन अच्छी बात है। एक हाईवा गुजरी उसके कारण और क्योंकि सड़क काफ़ी अब चौड़ी हो गई है, पहले बेहद ही खतरनाक थी जो बड़े अपने और काफ़ी चले। अब इसके बाद रहता है नगर निगम खत्म, आगे मिलते हैं मार्केट में। हाँ उस गांव का जो भी सिर्फ लाइटिंग का व्यवस्था था उसे पूरा किया गया था, तो अब आगे स्ट्रीट लाइट तो है नहीं तो जो बाइक से है उन्हें टॉर्च लेकर चलना पड़ेगा या फिर बाइक से तो नहीं पड़ता ऑब्वियसली हेडलाइट होता है। सड़क बढ़िया लेकिन ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 20 मिनट कंटिन्यूसली गाड़ी चलाने के बाद फिर मार्केट से होते हुए अपने डेस्टिनेशन पर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगा। तो अभी ट्रैफिक कम है तो उसी से जल्दी नहीं मिल जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी की आरती हो रहा था तो कर दिया।
पार्क वर्क चढ़ा, उसके बाद अब NH पार्क। तो अब SS से NH 28 पर जाना है। तो यहाँ पर ट्रक काफ़ी ज़्यादा चलती है, ऑब्वियसली पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है। तो आपको इसका शॉर्ट क्लिप मैं दिखा पाऊँगा। हाँ, अपर पॉकेट में रखने के बाद जो भी व्यू आता है वही मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। लगभग सामने से तो गाड़ी आती रहती है, पीछे से भी फिलहाल तो नहीं आ रही है। ऑब्जेक्ट लॉक नहीं था, तो रात में लगभग 9 से 10 बजे के आसपास उसके बाद ट्रकों की लंबी कतारें गुजरती हैं। तो समय कॉल आने की वजह से रुक गया था यहाँ पर एक शॉर्ट क्लिप, जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आती जाती रही थी। तो वो फिर 10 मिनट के अंदर में पहुँच गया। तो फिर अब मिलते हैं कल।